इसके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। केशव जी, पोस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी आई है कि यूपी सरकार की कार्रवाई कानूनन सही नहीं है, उन्होंने स्टे नहीं दिया है, और लेकिन एक बड़ी राहत दी है कि 3 बेंच को उन्होंने रेफर कर दिया। ठीक है, माननीय सर्वोच्च अदालत ने अगर लार्जर बेंच को मामले को ट्रांसफर किया है तो इसका मतलब यह है कि हमारा मामला समाप्त नहीं हुआ है। यह सही है कि उन्होंने तत्कालिक रूप से आदेश जो माननीय उच्च न्यायालय का था उस पर रोक नहीं लगाई है, तो जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है 16 मार्च तक उसे पूरा करने का, तो जो 16 मार्च तक का है उसका अनुपालन करेंगे, लेकिन सर्वोच्च अदालत के सामने सरकार अपनी बात रखेगी। और सरकार की मंशा एक ही है कि कोई गुंडे, कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई दंगाई, कोई सरकारी संपत्ति को, नागरिक संपत्ति को आग लगावें, तोड़फोड़ करें, आगजनी करें, इससे रोकने का है, ऐसे लोगों का मनोबल तोड़ने का है, ना कि किसी को किसी भी प्रकार से मतलब प्रताड़ित करने या किसी को भय दिखाने का है, बल्कि इस प्रकार की घटना यूपी में ना हो, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस ने कदम उठाया। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन आशीष के साथ पुष्कर, भारत समाचार, दिल्ली।